कहते हैं जी, हर चीज की एक हद होती है, हर चीज की एक इंतहा होती है। और इसी जुमले के बीच में एक बात बैठती है कि भाई बेशर्मी की भी हद होती है। एग्जैक्टली, ये आप सबको पता है कि बेशर्मी की भी एक हद होती है। तो अब वर्ल्ड कप का आखिरी दौर चल रहा है, सेमीफाइनलिस्ट हमारे कंफर्म हो चुके हैं, सेमीफाइनल शुरू होने वाले हैं एक आधे दिन में। तो उसी बीच में जब आप ये चीज देखते हैं कि किस टीम ने कैसा परफॉर्म किया, तो उसी में रिपोर्ट कार्ड निकल के आता है पाकिस्तान का सामने। तो उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने कितना अच्छा काम किया है, एक बहुत ही अच्छा काम करके उन्होंने दिखाया है और सबको दिखाया कि भाई बिलीफ नाम की भी कोई चीज होती है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, भाई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें। जी, दबा दें उसको, दबा दें, जोर से दबा दें। तो जी करते हैं शुरू। सबसे पहले आते हैं बेशर्मी की हद पे। तो सारी टीम्स जो जो बाहर हो गई हैं वो चल पड़ी हैं घर की तरफ, पहुंच भी गई हैं। तो उसी बीच पाकिस्तान टीम भी पहुंची है घर में, और उनका इस्तकबाल बहुत शानदार इस्तकबाल हुआ है। क्या स्वागत हुआ है पाकिस्तान की टीम का, सॉरी, कि उनको एयरपोर्ट से कैसे लेके जाया जा रहा है। भाई जैसे पाकिस्तान में जब कोई बाहर की टीम आती है तो जो प्रोटोकॉल उसको दिया जा रहा है, आज वो प्रोटोकॉल पाकिस्तान को दिया जा रहा है भाई। हाँ, क्योंकि लोग भड़के हुए हैं भाई, तो कुछ भी 19-21 हो सकता है। तो मेरा घंटा छुप छुपा के निकल दिया। तो बेशर्मी की हद की बात आपको मैं ये बताता हूं कि बाबर आजम जितना बेशर्म इंसान क्या ही कहे भाई, लफ्ज भी खत्म हो चुके हैं, बट वो बंदा अपनी हठधर्मी से नहीं हट रहा है। अभी भी बोल रहा है मैं कैप्टनसी से नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। ओ भाई कब हटेगा, इससे ज्यादा छितरोल और कब पड़नी है तुझे। मतलब अब ये कोई लेवल है, आज तेरे जो क्यूमी लेजेंड तुझे सपोर्ट कर रहे थे, आज वो भी दुबके हुए, छुपे हुए वो भी। ओ भाई कहाँ का क्या कर रहा है तू, मुझे आप एक बात बताओ, किस टीम को, किस प्लेयर को तूने बनाया है। पीएसएल में तू कराची किंग्स की तरफ से खेला, कराची किंग्स की माँ बहन एक करवा दी तूने। कराची किंग्स वालों की लास्ट सीजन जो लास्ट था, उससे वाला लास्ट सीजन, मतलब 2022 वाला सीजन, जब वो कराची किंग्स में खेल रहा था भाई, कराची किंग्स ने सिर्फ एक मैच जीता था। 10 मैच खेलते हैं टोटल पीएसएल में, और उसमें से कराची किंग्स ने सिर्फ एक मैच जीता था, 9 हारे थे बाबर की कैप्टनशिप में। कराची वालों ने क्या कहा, बाबर साहब, बाबर साहब नहीं चाहिए आप हमें, नहीं चाहिए आप हमें। उसके बाद दूसरा सीजन आया तो कराची ने फिर भी कुछ किया, इमाद वसीम की कैप्टनशिप में कुछ ना कुछ किया। और आप मुझे एक बात, अब ये सोचेंगे कि बाबर आजम ने तो पिशावर जलमी में जाके अच्छा किया था। ओ भाई उसने अच्छा नहीं किया था, पिशावर जलमी की टीम अच्छी थी, वो इंडिविजुअल जो बंदे परफॉर्म कर रहे थे वो तगड़ा परफॉर्म कर रहे थे, उसमें साइम अय्यूब का नाम एक ले लें। तो भाई सबसे पहले मैं तो ये बोलूंगा कि पीएसएल जो ये पीएसएल है, ये भाई बेकार चीज है, सीरियसली बेकार चीज है। आप कंपैरिजन करें इसको आईपीएल के साथ, तो कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता, बट मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूं। आईपीएल में आप मुझे एक बात बताओ, हर साल हर सीजन में कितने प्लेयर निकल के आते हैं नए सामने, जो तगड़ा खेल रहे होते हैं, जो लड़के कितने निकल के आते हैं, बहुत सारे निकल के आते हैं। लास्ट सीजन में देखा आपने, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, साई सुदर्शन, भाई नाम गिनवाने आऊंगा ना तो 20 से टैली क्रॉस हो जाएगी, बहुत लड़के आते हैं भाई। और वहीं पे आप मुझे बताओ पीएसएल में कितने नाम सुने आपने, लास्ट सीजन की बात छोड़ो, थ्रू आउट पीएसएल आप मुझे बताओ, हारिस राउफ द ग्रेट रन मशीन,
533 रन खाने वाली रन मशीन वर्ल्ड कप में पीएसएल की फाइंड है, और कौन है? एक ही आया था और उसकी भी हालत क्या है। तो जी कुल मिला के अभी मैं आपको ये बात बताऊं कि बाबर आजम खड़ा हो गया, भाई मैं कैप्टनशिप नहीं छोड़ूंगा, जो करना है कर लो, जो खाना हो खा लो, मुझे धक्के मार के निकालो तब निकलूंगा, इज्जत से तो मैं जाने वाला नहीं हूं। ये बाबर आजम का करना धरना है। तो भाई हर एक बंदा, और वहीं उनके पड़ोसी अफगानिस्तान, वेल प्लेड अफगानिस्तान, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वहीं अफगानिस्तान का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से काबुल में किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से उनको नवाजा जाता है, हार पहनाए जाते हैं, बहुत सारे फैंस आए हुए थे, मीडिया कवर कर रही थी, बहुत अच्छा स्वागत होता है उनका, बहुत अच्छा इस्तकबाल होता है उनका। तो भाई उनसे सीखो कुछ, अभी उनको 10 से 12 साल हुए खेलते हुए, आज अफगानिस्तान कहाँ पहुंची हुई है भाई, आज अफगानिस्तान पाकिस्तान से कहीं आगे निकल चुकी है। और ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान ने अभी अच्छा खेला तो बाद में अच्छा नहीं, उनके आप कोई भी लड़के निकाल के देखें ना, आप उनकी टीम में एवरेज एज है ना जो उनकी, वो 23 ईयर्स है, ये सारे लड़के लंबा खेलने वाले हैं। और जो पीछे लौट बैठी हुई है ना बेंच स्ट्रेंथ पे, भैया वो भी एक तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं, छोटी सी गलती ढूंढ रहे हैं और वो घुस जाएंगे अंदर, और वो भी तगड़े हैं भाई, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत तगड़े हैं। अगर आप देखोगे ना, समीउल्लाह एक प्लेयर है, जाकिर खान है, बहुत सारे लड़के हैं भाई, बहुत सारे लड़के और तगड़ा खेलने वाले लड़के हैं। अभी अब्दुल फरीद मलिक है, उसको इस बार मौका नहीं मिला है, बेंच पे बैठा हुआ था क्योंकि इंडिया में ज्यादा स्पिनर्स का ही चल रहा था, तो बेंच पे बैठा हुआ था वो। तो भाई अफगानिस्तान के पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो तैयार हो चुके हैं और वो लंबा सर्व करेंगे अफगानिस्तान को। तो पाकिस्तान थोड़ा शर्म कर लो, और अपने पड़ोसियों से, इंडिया के साथ तो आपको कुछ, इंडिया से क्या ही सीखोगे आप, वो तो आपकी पहुंच से बाहर है और समझ से भी बाहर है। चलो एटलीस्ट इंडिया का आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि इंडिया नेक्स्ट लेवल पे पहुंची हुई है भाई, एटलीस्ट अफगानिस्तान से तो सीखो। इनको बस बनाने पैसे अपने, जो इनका सिलेक्टर आता है वो भी चापलूसियां करता है, वो भी प्रोपगंडेज करता है, वो भी गेम करता है बीच में, प्लेयरों से आप लेते हो पैसा उनको खिलाने के लिए। तो भाई क्या बोलूं, कुछ नहीं बोल सकता इनके बारे में। और आप एक और चीज नोटिस करो, पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने करी है सिर्फ 2 सेंचुरीज, एक हमारे शबेराती रिजवान साहब जिस मैच में वो जीत रहे थे, उसके बाद तो खैर जीतने का मौका ही नहीं मिला, तो तब उनको क्रैम्प्स आ रहे थे, उनको क्रैम्प्स पड़ रहे थे, उसके बाद तो ना वो जीते, ना उन्होंने खेला, ना उनको क्रैम्प्स पड़े। एक वो, एक फखर जमान साहब की सेंचुरी आ गई, और भाई मैंने तब भी बोला था अगर पूरा मैच होता तो मैं देखता फखर जमान सेंचुरी करता या पाकिस्तान मैच जीत जाता। इंग्लैंड के खिलाफ क्या हो गया, 9 बॉल में 1 रन करके फखर जमान साहब चले घर की ओर, 337 था ना भाई, क्यों नहीं चेज करा? हम तो बोल रहे थे कि भाई इतने रन रेट से चेज करेंगे। भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी क्रिकेट में हो रही है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स। और वो दिन दूर नहीं है जो श्रीलंकन क्रिकेट का हाल हुआ है ना, वो दिन दूर नहीं है कि वो पाकिस्तान का हम सुनेंगे, और इसमें हैरत हैरत वाली कोई बात नहीं होगी जब हम ये बात सुनेंगे कि एग्जैक्टली वही जो श्रीलंका के साथ हुआ वही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो ये हैरत की कोई बात नहीं है भाई, तो ऐसा उनके साथ भी होना है। और दूसरी तरफ मैं आपको बोल रहा था कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, इन्होंने क्या, मतलब क्या किया है, इन्होंने ये किया है कि इन्होंने श्रेयस अय्यर को बैक किया है। भाई केएल राहुल भी नंबर 4th पोजीशन पे खेल सकता था, लेकिन उन्होंने श्रेयस अय्यर को बैक किया, बैक किया, बैक किया। और भाई श्रेयस अय्यर की अब बैटिंग देखो, ऐसा नहीं है कि कल उनकी सेंचुरी आई है तो दैट्स वाई मैं ये बात कर रहा हूँ, श्रेयस अय्यर का कोई भी आप नॉक उठा के देख लो भाई, वो सेंचुरी के लिए नहीं खेलता, वो टीम को जितवाने के लिए खेलता है। जो वो रन कर रहा है ना, 70 कर रहा है, 80 कर रहा है, फिर आउट हो जा रहा है, मैं तो उसको सेंचुरी से कहीं आगे देखता हूँ, क्योंकि उसको टीम का बहुत बेनिफिट मिल रहा है उस नॉक का। तो कल उन्होंने सेंचुरी की, ताबड़तोड़ तेज बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरी की, ऊपर से केएल राहुल ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। तो भाई राहुल द्रविड़ को और रोहित शर्मा को पूरा पूरा श्रेय जाता है इस बात का, हम बिल्कुल उनकी तारीफ करेंगे इस बात पे, हम सराहेंगे उनको इस बात पे कि उन्होंने जैसे अपनी टीम को चला रहे हैं। राहुल द्रविड़ नो डाउट एक बहुत ही तगड़ा और बहुत ही वाइड माइंड है,
और वी आर लकी कि हमें राहुल द्रविड़ जैसा दिमाग अपनी क्रिकेट में मिल रहा है, तो हमारी क्रिकेट को बहुत आगे लेके जा रहे हैं वो। तो भाई ऐसे चलती है, ऐसे बनाते हैं स्ट्रेटजीज। ये नहीं है कि राहुल द्रविड़ पूछे रोहित तेरा दोस्त कौन है, ले आओ उसको टीम में, नहीं खेलेगा फिर क्या, हमें पैसा तो मिल रहा है, हम जीतने के लिए थोड़ी खेल रहे हैं, हम तो पैसा बनाने के लिए खेल रहे हैं। कुल मिला के इंसान कोई नौकरी करता है, जॉब करता है, भाई पैसा ही कमाने के लिए करता है ना। आज जो प्लेयर खेल रहे हैं तो वो पैसे के लिए ही तो खेल रहे हैं। लेकिन भाई जो हम पैसा कमाते हैं, जो हम रोजी खाते हैं उस अपने पेशे से, अपने जॉब से, भाई उसको हलाल भी करना होता है, हराम नहीं खाना होता है। तो जिस पेशे को हम अपनाएं, जिस पेशे में हम काम करें, उसको भाई हलाल भी करना होता है। हलाल करके खाओ, खाओ जितना मर्जी पैसा, भाई पेट के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन उसको हलाल भी तो कर खिलाओ पेट को। कुल मिला के जी पाकिस्तान की आई है 2 सेंचुरीज पूरे पूरे वर्ल्ड कप में, और हमारे 2 सेंचुरी सिर्फ विराट कोहली के नाम पे, सिर्फ एक बंदे के नाम पे, और वो भी विराट कोहली की 3 सेंचुरीज मिस हो चुकी हैं, 87, 95 और समथिंग 88, सॉरी 85, 87 और 95, 3 सेंचुरी ये भी हैं। तो भाई तुम्हारी आई है सिर्फ 2 सेंचुरीज, और कहाँ गई वो बाबर आजम की क्लास, कहाँ गया मेरा घंटा, मेरे घंटे की क्लास कहाँ गई। मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बोला था कि मैं बाबर आजम की बैटिंग एबिलिटी पे शक नहीं करता हूँ, बिल्कुल मैं आज भी स्टैंड करता हूँ इस बात पे, मैं नहीं करता हूँ शक बाबर आजम की बैटिंग एबिलिटी पे, मैं नहीं करता हूँ शक। बस सिर्फ कंडीशन एक होनी चाहिए, आगे टीम्स कौन सी होनी चाहिए, नेपाल, भूटान, अच्छा जिम्बाब्वे और नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, अच्छा जी वेस्ट इंडीज, तो ये टीम आगे होनी चाहिए। तो बाबर की एबिलिटी पे हम बिल्कुल भी शक नहीं करेंगे, अदर देन दीज कंट्रीज हम तो शक करेंगे। शक क्या करेंगे, वो तो सामने देख रहा है क्या किया है। घंटे ने अपनी नंबर वन पोजीशन भी गवाई, अब वो भाई अब वो हाथ आने वाली नहीं है, अब वो हाथ आने वाली नहीं है, अब घंटे की गई नंबर वन पोजीशन, क्या वो नंबर टू, विराट कोहली फोर्थ पे है, अब वो जाने वाली है नंबर वन पोजीशन, अब बाबर आजम नहीं मिलेगी आपको, ख्याल भी दिमाग से निकाल दें। तो जी 2 सेंचुरीज। अब आपको एक बात बताऊं, हर बंदा बाबर आजम के बारे में बात कर रहा हो, भाई रिजवान के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो, सबसे बड़ा कल्प्रिट वो है टीम में। रिजवान वो बंदा जिसने कहीं ऐसे ही मतलब ऑफ द ग्राउंड किसी मजलिस में बैठ के बोला था कि मैं अब सरफराज अहमद को नहीं आने दूंगा टीम में। भाई वही सरफराज अहमद था और वही मिकी आर्थर था 2017 में जब इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती थी, तो अगर मिकी आर्थर ने जितवाई होती तो इस बार बाबर आजम वर्ल्ड कप जीत के जाता। भाई मिकी ने नहीं जितवाई थी, वो सरफराज की कैप्टनशिप थी, वो सरफराज का कमाल था जिसने वो जितवाई थी। तो भाई उसके खिलाफ आप साजिशें कर रहे हो, उसके खिलाफ आप प्रोपोगेंडाज कर रहे हो। तो अभी आ रही है ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज, देखते हैं अब क्या करते हो आप। तो जी उधर से इंग्लैंड के स्क्वाड का भी ऐलान हो गया है, इंग्लैंड का वेस्ट इंडीज टूर का स्क्वाड ऐलान हो गया है, वन डेज और T20Is का। तो 6 प्लेयर जो थे उनके वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड के थे, 6 प्लेयर उनको बैक किया गया है, उनको रिटेन किया गया है। तो बाकी सारे नए आए हैं, जैसे जैक क्रॉली हो गया, ओली पोप आगे, बेंटकीट आगे, फिल सॉल्ट आगे, विल जैक्स आगे, रेहान अहमद हो गए, और उसके बाद बाइडन कार्स आगे, और उसके बाद हाँ जॉनी बेयरस्टो बाहर हो गए, उसके बाद स्टोक्स भी नहीं खेल रहे हैं, मोइन अली को भी ODI में चांस नहीं मिला है, तो आदिल रशीद खेल रहे हैं, उसके बाद क्रिस वोक्स को भी नहीं चांस मिला है, डेविड विली तो रिटायर हो गए हैं, तो डेविड विली का आखिरी गेम था जो उन्होंने वो खेला अगेंस्ट पाकिस्तान, और उसमें मैन ऑफ द मैच रहे वो, वेल डन डेविड विली। यही होता है, ऐसा ही होना चाहिए, जब आप रिटायर हो रहे हो तो आपका कैरियर ऐसे ही खत्म होना चाहिए। तो डेविड विली आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, हम इसमें बिल्कुल भी शक नहीं करते हैं, आपने बहुत अच्छा खेला, और सबसे बड़ी बात आपने पाकिस्तान को पेला 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 पेला, पेला। तभी आप अच्छे क्रिकेटर हो। तो जी
पाकिस्तान की साजिशों से बाज आए। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद इंडिया पे इल्ज़ाम ना लगाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। लगाएंगे, लेकिन थोड़ा बाज आ जाओ आप भाई। चित्रोल अपनी बहुत करवाई है आपने, तो बहुत गालियां खाई हैं, तो घटिया बातें करके क्यों गालियां खाते हो भाई? बात फैक्ट की करो, टेक्निकल बात करो, पॉइंट की बात करो। तो जनाब करते हैं आज के इस वीडियो को इतना ही। तो हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया। वो नीदरलैंड जिसके खिलाफ पाकिस्तान ने 286 रन किए थे, इंडिया ने 410 किए, ये होता है लेवल भाई। आपको अगर तब होता ना, सब इनको पूछ रहे थे, पाकिस्तान वालों को सब पूछ रहे थे कि आप ये मॉडर्न डे गेम क्यों नहीं खेलते? जी हम इसी से जीत रहे हैं, हमारा खेलने का तरीका यही है, हमें यही जीत दिलवा रहा है, तो हम इसी इसी तरीके को अपनाएंगे और इसी तरीके को खेलेंगे। बढ़ेंगे ना खप्पे, बढ़ेंगे खप्पे। वो भाई तब अगर दिमाग हिलाया होता ना, सोचा होता ना रन रेट के लिए, तो नीदरलैंड्स के खिलाफ एटलीस्ट रन रेट अपना तेज करते। बांग्लादेश के खिलाफ 200 रन आपको मिले, वो भी 33 ओवर में जाके चेज किया आपने। तो अपने तरीके से ही खेलते रहो और ऐसे ही चित्रोल करवा के बाहर जाते जाओ। अब इंडिया को कल रन रेट की जरूरत नहीं थी ना भाई, उन्होंने देखो कैसे डोमिनेट करके खेला, उन्होंने प्रैक्टिस की सेमीफाइनल के लिए। तो अगर आपने भी कुछ ऐसा ही खेला होता ना, तो आज आपका रन रेट पॉजिटिव में होता और आपको अल्ताफ भाई की जरूरत ना पड़ती। जो मैच आपका इंग्लैंड के खिलाफ हुआ, तो उसमें तो अल्ताफ भाई भी हेल्प नहीं कर सकते थे। अल्ताफ भाई को अगर आप नहीं जानते हो, तो भाई सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है अल्ताफ भाई, जो आईफोन लेके देते हैं। तो जिस चीज़ मेरे भाई को पता है कि अल्ताफ भाई कौन है, कमेंट में नाम जरूर लिख दें अपना। थैंक यू, करते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें लाएंगे कुछ और इनसाइड स्टोरीज। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।